हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम मिश्र अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि आज योग दिवस है, इसीलिए ज़रूरी था आपके साथ कुछ ऐसी बातों को शेयर करना जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। और मैंने देखा कि जो योगा है उसे करने से आपके विचारों में कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है, आपकी सोच की किस हद तक चेंज हो सकती है, साथ ही आपका शरीर, आपकी जो शारीरिक बनावट है वो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ही सकते हैं। तो योगा जो है वो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से फिट रखती है। और सिर्फ मेंटली और फिज़िकली ही नहीं, ये आपको इमोशनल तरीके से भी फिट रखती है और आपकी सोच को, नेगेटिव सोच को पॉजिटिविटी में भी बदलने की पूरी पूरी ताकत रखती है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब कभी भी मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया तो किस तरह से योगा ने जो है मेरा साथ दिया। देखिए, जब भी आप किसी असमंजस की स्थिति में हों, ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते जाना है, या आप जो है आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो एक रहकर काम नहीं कर रहे हैं, इस कहने का मतलब है कि आपकी जहाँ पर आपका शरीर है वहाँ पर आपका जो है मन नहीं है, तो योगा जो है, योग जो है यही काम करता है, वो आपके मन और शरीर को एक लाता है। एक जहाँ पर आपका शरीर होगा वहीं पर आपका मन होगा, और इससे भी बड़ी बात, वो आपके मन को जो है कंट्रोल, आप खुद अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो है अपने मन के अंडर रहकर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप योग की ताकत को जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कई सारे आसन होते हैं योगा में, तो जो सबसे पहला आसन जो हम लगाते हैं वो इस तरीके से लगाया जाता है, और कुछ देर इस आसन में आंखें बंद करके रहा जाता है। इस आसन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो ये एक ऐसा आसन है जो आपको उस परेशानी से 100% निकाल देगा। ये आसन आपको इतनी ताकत देगा कि आप अपने फैसले जो है सही तरीके से ले पाएंगे, अपनी कमियों को समझ पाएंगे और अपनी कमियों को जो है पूरा करके अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। जब ये आसन आप लगाते हैं तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं। आप एकांत में बैठते हैं जब और इस आसन को लगाते हैं तो आप फील कीजिए कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें कई बार, आपने देखा होगा गट फीलिंग जिसे कहते हैं, गट फीलिंग जो होती है कहते हैं 99% जो है वो हमेशा ठीक होती है। तो क्या होती है ये गट फीलिंग? ये होती है, एक हमारा अंतर्मन होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। लेकिन क्योंकि हम शोर शराबे के बीच में रहते हैं और हम कई बार जो है कई चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और हम तो हमारा जो गट फीलिंग वाला जो मन है, जो हमारा सही हमें बताता है मन, वो कई बार दब जाता है। तो इस सही मन से बात करने के लिए आपको एकांत में इस वाले आसन में बैठना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो 100% गारंटी है, और मैंने भी इस चीज़ को लागू किया है अपने लाइफ में। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई, मैंने इसी आसन में बैठकर जो है योगा तो करती ही हूँ, शुरुआत योगा की इसी आसन से होती है, तो 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए इस आसन पर बैठी, मैंने अपने आप से क्वेश्चंस किए। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मुझे जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसका रीज़न क्या है। फ्रेंड्स, आप एक दो दिन में इस आसन को लगाकर उस रीज़न तक पहुंचेंगे। आपको जब रीज़न समझ में आएगा तो आप किस्मत को कोसना बंद करेंगे, आप किसी और को कोसना बंद करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी सिचुएशन के लिए कोई और भी ज़िम्मेदार है तो आप उसको भी कोसना बंद करेंगे। फिर जब कोसना बंद हो जाएगा तो आपके अंदर वैसे ही पॉजिटिविटी आना बंद हो जाएगी।
क्योंकि जो है जब पॉजिटिविटी आती है तब आप जो है ऊपर की तरफ उठते हैं, आपका मूड लिफ्ट होता है, फिर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो माइंड होता है वो रिएक्ट करना शुरू करता है। तो ये आसन आपको बताएगा कि आपकी सिचुएशन जो भी आज बनी है उसके लिए आप किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पर आपसे कमी हुई है, आपको कहाँ पर जो है भरपाई करनी है उस कमी की। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर आपका पूरा फोर्स जो है सिर्फ अपने आप पर लगेगा, किसी को कोसने पर नहीं, या फिर किस्मत को कोसने पर नहीं, या फिर किसी और चीज़ में आपका मन नहीं जाएगा। आप जो है अपने उस हालत के लिए जब सोच रहे होंगे, जब आपका वो क्वेश्चन ही इसी आसन के साथ क्वेश्चन उठेगा, तो उसका आंसर के लिए आप जो है पूरी तरह से तैयारी भी करने में जुट जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही ये आसन आपको बताएगा कि आपको अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर कैसे रखना है, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा खुशी या फिर ज़्यादा इमोशनल होना जो है वो इस आसन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब कोई भी चीज़ अतिमय होती है तो वो हमेशा एक समस्या बनती है, तो उस समस्या से जो है आप अगर जूझ रहे हैं तो अपने आप से अंतर्मन से पूछिए कि उसका मैं किस तरीके से मैं उस समस्या से बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। आपको योग की शक्ति का थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा, एक महीने के अंदर अंदर आपके जो है नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो है आगे बढ़ने लगेंगे और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे और किसी भी सिचुएशन में आपका मन स्थिर रहेगा। स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है, जब आपका मन स्थिर रहेगा आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगी और जो है आपकी मसल जो है वो जो वीक हो गई हैं सोच सोच के बहुत ज़्यादा, तो वो भी जो है अपने आप ठीक होने लगेंगी, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव थॉट जब आते हैं तो नेगेटिविटी होती नहीं है, मन इधर उधर भटकेगा नहीं आपका, तो आपके जो है चेहरे पर भी वो निखार आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस आसन को आप लगाइए, और भी जो आसन है आप उसे जो है ट्राई कर सकते हैं। पूरी योगा के आसन जो होते हैं वो करीब करीब एक घंटे का, एक से डेढ़ घंटे का समय पूरी योगा के आसन करने में लगता है। हर एक आसन को पूरी शिद्दत के साथ करिए, आपके जिस भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को उससे फ़ायदा होने वाला है वो एक महीने के अंदर अंदर होने लग जाएगा, और साथ में आपके जो मन को जो शांति मिलेगी वो अलग होगी। और साथ में ये आपको सही, ये जो आसन है जिसमें आप अपने अंतर्मन से बात करेंगे, ये आपको सही फैसले दिलाएगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप अपने जीवन में सही फैसले लेंगे, ये आपको निडर बनाएगा, क्योंकि जब आप सही फैसले लेने लगते हैं आपको खुद पर जो है विश्वास होने लगता है। ये आसन आपको खुद पर विश्वास दिलाना भी सिखाएगा, फिर आप निडर प्रवृत्ति के भी बनेंगे, फिर आप किसी भी चीज़ को बिना रोक टोक के, बिना किसी हेजिटेशन के बोल पाएंगे, और जब हम किसी चीज़ को बिना हेजिटेशन के बोलते हैं तो मन जो है वो वैसे ही हल्का हो जाता है। ये आसन आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पर आपको अपनी लाइफ का कौन सा पार्ट बिल्कुल कैंची से कट कर देना है, कौन से पार्ट पर आप थोड़ी सी जो है थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, पैचिंग कर सकते हैं वहाँ पर, और कहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सरिये लगाने हैं ताकि वो पार्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स, अपने कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपसे आज शेयर किए, और योगा में बहुत शक्ति है, आप करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर जहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठे होकर रहेगा, और जब भी इकट्ठे होकर रहेगा तो आपके जो फैसले सही होंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू एंड बाय।